एनसीसी भर्ती इंट्रेंस एग्जाम 2024 प्रीवियस ईयर वीवीआई क्वेश्चंस। तो इस मॉडल पेपर में यानी इस क्रैश कोर्स ये वीडियो फर्स्ट होगा, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। और 2024 की भर्ती कब होगी वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं। गुड इवनिंग सर, मेरा आज स्कूल में एनसीसी का सिलेक्शन था, आई एम फ्रॉम ओडिशा, मतलब ओडिशा में भर्ती स्कूल की शुरू हो गई और ये परसों का ही है, ट्यूजडे का है, ठीक है, वहाँ पर भर्ती हो गई उस दिन। और एनसीसी का उनके यहाँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, 7 क्वेश्चन पूछा था, जो उन्होंने बता दिया कि सर एनसीसी का आज का क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे और इसके बाद भी जितने क्रैश कोर्स, क्योंकि टोटल 2000 के आसपास क्वेश्चन है जो मैंने बता रखे हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था एसएससीओ का फुल फॉर्म, जो कि 2024 में पूछा, बाकी पहले का ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन होता है ऑल इंडिया में। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो पढ़ा दिया हूँ, ये न्यू क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेंगे। आयरन वुमेन ऑफ इंडिया, मोटो ऑफ एनसीसी, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, वेयर वाज लोकेटेड ओडिशा डायरेक्टरेट, हु इज़ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, एक क्वेश्चन नया आया है, ठीक है। तो ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप आर्मी विंग्स हो, एयर विंग्स हो, नवल विंग्स से, सेम क्वेश्चन पूछेगा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो डेली शाम में 8 बजे लाइव क्लास होती है, टाइम्स क्लास करेंगे, और मैं एक एक करके क्रैश कोर्स वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 10 या 12, 8-10 वीडियो होगा ऑब्जेक्टिव का और 8-10 वीडियो होगा सब्जेक्टिव का, तो अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सभी को जय हिंद, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आपको मैं होमवर्क नोटिफिकेशन भेजता हूँ, और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो पूरा देखना, सारे क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आंसर के साथ। एनसीसी का फुल फॉर्म लिखे तो आप स्पेलिंग याद करेंगे, नेशनल कैडेट कोर, ऑप्शन सी है। सेकेंड, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन ए होगा। थर्ड, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम लिखें, जनरल मनोज पांडे जी हैं, सी होगा। फोर, आरटीआई का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, डी होगा। फिफ्थ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। सिक्स, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन डी होगा। पूरी वीडियो देखना, अच्छे से याद करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक, और कमेंट करके बताना जानकारी कैसी लगी। सेवन, स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं, तो कल्पना चावला, बी होगा। एट, ये सब करेंट अफेयर्स है, मोस्ट वीवीआई, ये सब ना गूगल पे, गूगल पर सर्च कर लेंगे, ठीक है, गूगल पर, ध्यान रहे, गूगल पर सर्च कर लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम लिखें, तो डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ पूरा नाम है, डी होगा। नाइन, एनसीसी का ध्येय क्या है, जिसको मोटो बोलते हैं, तो एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन है, बी होगा। टेन, सीबीआई का फुल फॉर्म, तो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया उसके अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, ऑप्शन सी। और एक सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होता है। 11, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है, ये भी करंट अफेयर्स है बट फिलहाल यही है, बी होगा। 12, कोरोना वायरस चीन के किस शहर से पूरे विश्व में फैला, तो वुहान सिटी से, डी होगा। 13, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, बी होगा। 14, कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा, ऑप्शन सी होगा। 15, अयोध्या में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161 फीट, ऑप्शन ए होगा। 16, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीस, बी होगा। 17, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, राकेश शर्मा, बी होगा। 18, खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, डी होगा। 19, भारत के रक्षा मंत्री का नाम लिखें, तो अभी वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह हैं, ये होगा। ये सब करंट अफेयर्स है, मोस्ट वीवीआई, टोटल 200 क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखना और अच्छे से याद करना। 20, करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने, सी होगा। 21, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, बी होगा। 22, ऐसा कौन सा तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा यानी मरकरी, सी होगा। 23, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने, बी होगा। 24, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत, ए होगा। 25, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, जयपुर को, डी होगा। 26, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1948 को, ए होगा।
27, आरबीआई का फुल फॉर्म लिखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी होगा। 28, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में, बी होगा। 29, किस खेल का शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था, क्रिकेट का, ऑप्शन ए होगा। 30, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, सी होगा। 31, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है, बी होगा। 32, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है, घूर्णन गति के कारण, डी होगा। 33, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, गोस्वामी तुलसीदास है, ऑप्शन ए होगा। 34, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है, 3 रंग, सी होगा। 35, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बी होगा। 36, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोधगया में, डी होगा। 37, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे, कर्नल जीजी बेबूर, डी होगा। 38, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, तो जगदीप धनखड़, सी होगा। ये भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो ये सब वैसे अभी तो यही है लेकिन मैंने लिख दिया कि सर्च ऑन गूगल। 39, मौर्य शासक सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र, डी होगा। 40, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, सी होगा। 41, एनसीसी गान के रचयिता कौन है, मतलब एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा, ये सब मोस्ट वीवीआई एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, तो सुदर्शन फकीर ने, बी होगा। 41, आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं, सिपाही यानी सोल्जर होता है, सी होगा। 42, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यू दिल्ली में है, सी होगा। 43, आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं, तो जो कि जनरल होता है, जो आर्मी चीफ होते हैं, तो डी होगा। आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो फील्ड मार्शल देता है, लेकिन फील्ड मार्शल नहीं है, ठीक है, जनरल होगा, डी। 44, इसरो का फुल फॉर्म लिखें, तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग पूरा फुल फॉर्म का ना स्पेलिंग याद करना, फुल फॉर्म भी सेम पूछता है, बी होगा। 45, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, डी होगा। 46, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बी होगा, उत्तर प्रदेश। 47, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष, सी होगा। कभी कभी इस क्वेश्चन को ना यहाँ से विजय हटा देगा, पूछेगा कारगिल दिवस, तो दोनों क्वेश्चन ही सेम है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। 48, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सबसे पहले, डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ऑप्शन ए होगा। 49, फुल फॉर्म ऑफ DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड, ये एंड है, शॉर्ट में वैसे लिखते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी होगा। 50, सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है, बी होगा। 51, 2021 ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने, ऑप्शन ए होगा, जो 49 kg वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता था। 52, एड्स का फुल फॉर्म लिखें, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन ए होगा। 53, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को, सी होगा। 54, भारत के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, राजीव गौबा, डी होगा, ये भी करंट अफेयर्स है। 55, DRDO ने इंडियन आर्मी को हाल ही में कौन सी मशीन दी है, भारत ड्रोन, सी होगा। 56, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं, 206, ए होगा, और बच्चों में पूछेगा तो 300, 5 या 6 होता है। 57, 7 टापू वाला नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहते हैं, बी होगा। 58, ANO का फुल फॉर्म लिखें, तो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होता है, जो आपके एनसीसी टीचर होते हैं, तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि आपकी भर्ती कब होगी, सी होगा, स्पेलिंग याद कीजिएगा पूरा। 59, CTO का फुल फॉर्म, ये भी एनसीसी टीचर होते हैं, केयर टेकर ऑफिसर, बी होगा। 60, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का नाम बताएं, श्री ओम बिरला, बी होगा, करंट अफेयर्स है। 61, शहीद दिवस कब मनाते हैं, 30 जनवरी को, ऑप्शन ए होगा। 62, वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताएं, तो श्री नरेंद्र मोदी, बी होगा। 63, प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं, इंदिरा गांधी, डी होगा। 64, भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम बताएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी होगा। 65, IYD का फुल फॉर्म लिखें, इंटरनेशनल यूथ डे, ऑप्शन ए होगा। 66, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 को, सी होगा। 67,
मच्छरों द्वारा खाली स्थान और खाली स्थान रोग फैलते हैं, डेंगू और मलेरिया, ऑप्शन ए होगा। 68, किस व्यक्ति को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, बी होगा। 69, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी होगा। 70, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, ए होगा। 71, सुनील गावस्कर किस खेल के खिलाड़ी थे, क्रिकेट के, बी होगा। 72, किसी आयत को आधा करके फिर दोगुना किया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पहले हाफ किया फिर डबल, तो सेम पोजिशन, तो डी होगा। 73, ओलंपिक में दूसरी बार लगातार दो पदक जीतने वाला भारतीय कौन है, पीवी सिंधु ने दो बार लगातार दो मेडल, सी होगा। 74, भारत की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 144 करोड़ है, ये भी गूगल पर सर्च कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा। 75, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को, ए होगा। 76, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, वैसे राष्ट्रभाषा नहीं बोलते इसको ना, राजकीय भाषा बोलते हैं, ठीक है, तो हिंदी है, डी होगा, क्योंकि राष्ट्रभाषा हमारा कोई है नहीं संवैधानिक तौर से। 77, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा झंडा, बी होगा। 78, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमन है, सी होगा, ये भी करंट अफेयर्स है। 79, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को, डी होगा। 80, भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है, तो बिहार है, बी होगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। 81, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं, ए होगा। 82, एनजीओ का फुल फॉर्म लिखें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सी होगा। 83, ओलंपिक में लगातार दो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लगातार दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु, पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार है, सी होगा। 84, ओलंपिक में लगातार दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो पीवी सिंधु ने जीता, ए होगा। 85, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं, मोर है, सी होगा। 86, भारत का राजकीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ, डी होगा। नेक्स्ट, 87, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, बी होगा। 88, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे, सी होगा। 89, विजय दिवस कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन ए होगा। 90, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं, बी होगा। 91, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी होगा। 92, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है, डी होगा। 93, वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को, ऑप्शन ए होगा। 94, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर, करंट अफेयर्स है, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान है, बी होगा। 95, थल सेना दिवस कब मनाते हैं, यानी आर्मी डे, 15 जनवरी को, सी होगा। 96, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद का पेड़ है, डी होगा। 97, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, बी होगा। 99, भारतीय गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को, डी होगा। 100, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम बताया, यानी प्रेजेंट में, करंट अफेयर से, तो अभी द्रौपदी मुर्मू है, डी होगा। टोटल 200 क्वेश्चन है, पूरी वीडियो देखना, ठीक है, और अच्छे से याद करना, फिर 8 बजे डेली शाम में लाइव क्लास। फर्स्ट, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम बताया, यानी वाइस प्रेसिडेंट, तो जगदीप धनखड़ है अभी, ए होगा। 2, करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था, डी होगा। 3, नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को, बी होगा। 4, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, ए होगा। 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, सी होगा। 6, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह, बी होगा। 7, आराम हराम है का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, डी होगा। 8, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई थे, सी होगा। 9, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, नहीं, नेशनल फ्लावर, सी होगा, कमल। 10, भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, ए होगा। 11,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, सी होगा। 12, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने, डी होगा। 13, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, बी होगा। 14, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी, ए होगा। 15, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी होगा। 16, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, सी होगा। 17, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने, ए होगा। 18, सारे जहां से अच्छा हिंदू से ता हमारा का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने, डी होगा। 19, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी, बी होगा। 20, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया, सी होगा। 21, भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह, ए होगा। 22, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताएं? श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी होगा। 23, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नारा किसने दिया? रामप्रसाद बिस्मिल ने, डी होगा। 24, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने, बी होगा। 25, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, ए होगा। 26, बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को, बी होगा। 27, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, बी होगा। कि जितने क्वेश्चन है सारे अब तक भर्ती में पूछे हैं, टोटल 2000 के आसपास क्वेश्चन है, तो 9-10 वीडियो ऑब्जेक्टिव का होगा और 9-10 सब्जेक्टिव का। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन। 28, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, डी होगा। 29, उगता सूर्य किस राज्य को कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को, बी होगा। 30, FIR का फुल फॉर्म लिखे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ए होगा। 31, इनकलाब का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी ने, सी होगा। 32, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 को, ए होगा। 33, GCI का फुल फॉर्म लिखे, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, सी होगा। 34, हुगली शहर किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे, डी होगा। 35, पहला मुगल शासक कौन था? बाबर था, बी होगा। 36, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, सी होगा। 37, मलेरिया किसके कारण होता है? ए होगा, मच्छर के काटने से। 38, प्रथम महिला IPS कौन बनी? किरण बेदी, डी होगा। 39, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, ए होगा। 40, जन धन योजना कब लागू हुआ? 28 अगस्त 2014 को, सी होगा। 41, BOI का फुल फॉर्म लिखे, बैंक ऑफ इंडिया, बी होगा। 42, KAB का फुल फॉर्म लिखे, नो अबाउट बिजनेस, ए होगा। ये सारे फुल फॉर्म भी भर्ती में पूछे हैं। 43, आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने, डी होगा। 44, ओलंपिक खेलों में जो 5 गोल छत्ते दिखाई देते हैं वह किसके प्रतीक होते हैं? 5 महाद्वीपों की एकजुटता के, सी होगा। 45, एक कपड़ा धूप में 10 मिनट में सूखता है, 10 कपड़े धूप में कितने मिनट में सूखेंगे? बी होगा, 10 मिनट में। 46, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है अभी प्रेजेंट में, करंट अफेयर्स, ठीक है, सर्च कर लेना, ए होगा। 47, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, सी होगा। 48, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, ऑप्शन ए होगा। 49, संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 को, डी होगा। 50, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से, सी होगा। 51, सिंधु घाटी किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, बी होगा। 52, इसरो का पूरा नाम लिखे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी होगा। 53, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, डी होगा। 54, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में, ए होगा। 55, WHO का पूरा नाम लिखे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी होगा। 56, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, सी होगा। 57, WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में, डी होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक ही टॉपिक से तीन तीन क्वेश्चन और ऐसा तीन पूछा है। WHO से फुल नेम
स्थापना और मुख्यालय, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जहाँ पे पूछा था ना सारे बंदे वहाँ पे मतलब इन क्वेश्चन में फंसे थे, लेकिन अपने बंदे का सिलेक्शन हो गया था क्योंकि ये नया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बी होगा 59। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, सेम टाइप क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 1945 को, ए होगा 60। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, डी होगा 61। भारत की राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताओ, मोर है, ये तो बच्चा वाला है, बी होगा, ये भी पूछा 62। गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है, डी होगा 63। अभी इसको ना गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ना दो तीन है, कहीं पे 197 देता है, कहीं पे 198 देता है, लेकिन मैंने फिर देखा बहुत तो मुझे 195 सही लगा, ठीक है, तो सी होगा, क्योंकि दो देशों को मान्यता प्राप्त नहीं है जो 197 में है, तो 195 आप लोग देख लेना वैसे गूगल पे। ये भी पूछा हैदराबाद कौन से राज्य में पड़ता है, तेलंगाना में, बी होगा 65। परमाणु बम का परीक्षण भारत में कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के पोखरण में, ये होगा 66। कोविड-19 का फुल फॉर्म लिखे, कोरोना वायरस डिजीज, सी होगा 67। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सी होगा, जो गोरखपुर जंक्शन 1366 मीटर लंबा है 68। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम लिखें, तो वर्तमान में श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, बी होगा 69। बिहू किस राज्य का त्यौहार है, असम का, डी होगा 70। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम लिखो, सारस होगा, बी 71। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश यानी एरिया में पूछ रहा, तो रूस है यानी रसिया, ऑप्शन ए होगा 72। एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, सी होगा, स्पेलिंग याद करना पूरा 73। एसआई का फुल फॉर्म लिखे, सब इंस्पेक्टर होता है, ऑप्शन बी होगा 74। आरपीएफ का फुल फॉर्म लिखे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन ए होगा 75। सीबीएसई का फुल फॉर्म लिखे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सी होगा 76। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था 1666 में, यह भी याद कर लेंगे, ऑप्शन ए होगा 67। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को माना जाता है, इंग्लैंड को, बी होगा 78। संविधान में 9वीं अनुसूची को किस वर्ष में जोड़ा गया, तो 1951 में, ए होगा 79। चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताएं, नील आर्मस्ट्रांग, सी होगा 80। रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि, डी होगा 81। भारत की राजधानी कहाँ है, तो न्यू दिल्ली, दिल्ली है, बी होगा 82। महाभारत में पांडवों की पत्नी का क्या नाम था, द्रौपदी था, सी होगा 83। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है, डी होगा 84। ITBP का फुल फॉर्म लिखे, तो इंडो होता है, बहुत लोग ना इंडियन लिख देते हो, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, बी होगा, पूरा स्पेलिंग याद करना, पैरामिलिट्री फोर्स है 85। आर्मी का फुल फॉर्म लिखे, तो अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग होता है, ऑप्शन ए होगा 86। UPSC का फुल फॉर्म लिखे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सी होगा, पूरा स्पेलिंग याद करना, ये सारे फुल फॉर्म पूछे हैं 87। SSB का फुल फॉर्म, तो एक इसका फुल फॉर्म जो ऑप्शन में दिया है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होगा, दूसरा इसका फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल भी होता है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना 88। ANO का फुल फॉर्म जो NCC टीचर होते हैं, तो एसोसिएट NCC ऑफिसर, डी होगा 89। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का यानी ऑड वर्ड का चयन करना है, आरी, कुल्हाड़ी, बेलचा, बंदूक, तो इसमें 4 होगा बंदूक, क्योंकि ये तीनों बढ़ई और लकड़ी के काम में आते हैं, यानी खेती और बढ़ई के काम, 4 होगा बंदूक, जानलेवा हथियार है 90। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुने, केला, सेब, आम, बैगन, तो इसमें बैगन होगा क्योंकि ये तीनों फल है और ये सब्जी है 91। दिए गए शब्दों को क्रम में लिखे, ये सारा ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था भर्ती में, पिछले साल से पूछ रहा, उसके पहले कभी नहीं पूछा था, मतलब इसको ना सीक्वेंस में लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि पहले कौन फिर कौन, तो सबसे पहले बीज लगाते हैं, सी होगा, फिर इसमें अंकुर आता है, डी होगा, फिर छोटा सा पौधा निकलता है, बी होगा, फिर बड़ा होकर पेड़ बनता है, तो ए होगा, सी डी बी ए 92। पटना शहर में कौन सी नदी है, गंगा नदी, ए होगा 93। भारतीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, यानी NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, तो खड़गवासला पुणे में, सी होगा 94। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, भारत है, लगभग 144 करोड़ पॉपुलेशन है, सी होगा 95। ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बहुत लोग मिसाइल लिखते हैं, मिसाइल तो है लेकिन अलग प्रकार का है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तो हवा में मार करती है, डी होगा, हवा में डायरेक्शन भी चेंज करता है 96। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, यानी महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन है 97।
सर्वश्रेष्ठ शांति पुरस्कार कौन सा है? अब इसमें एक पूछता है सबसे बड़ा वीरता का शांति पुरस्कार, तो वीरता में अशोक चक्र होगा, लेकिन यहां पे सबसे बड़ा शांति पुरस्कार पूछा है, वीरता नहीं, तो नोबेल शांति पुरस्कार बी होगा। 98 H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात यानी रेशियो, तो हाइड्रोजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, तो पहले हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन 1, बीच में अनुपात लगा दो तो 2:1 डी होगा। 99 भारत चीन का युद्ध कब हुआ? 1962 में, ऑप्शन ए होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 200 यानी 200, 100 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का, सी होगा। तो सारे क्वेश्चन याद कीजिएगा अच्छे से, एक बार में ना हो दो बार तीन बार में, ठीक है। लाइव क्लास डेली 8 बजे होती है। बाकी आप प्ले स्टोर से तेजस NCERMI ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जहाँ पर मैं होमवर्क भेजता हूँ, कोई दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मैसेज कर लेना, या फिर Insta ID पे मैसेज करना, Insta ID भी सब लोग फॉलो कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। और पढ़ के आइएगा, सिलेक्शन सबका कन्फर्म होगा, भर्ती स्टार्ट हो गई है, अलग वीडियो बना दूंगा आपकी भर्ती कब से होगी, लेकिन रेगुलर क्लास करना है 8 बजे रेगुलर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट होगा क्रैश कोर्स 2, उसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे, और फॉर्म कैसे अप्लाई करें वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ऑनलाइन फॉर्म पिछले साल कैसे फिलअप हो रहा था उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, इस बार भी वैसे ही होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद।